जाओ हॉस्पिटल में ना मेरे बेइज्जती कर रहा है ये लड़का। राम जान है अब देख लो ये वीडियो। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और यार हो चुके हैं ये, अब मैं झुंडी ओढ़ रही हूँ भाई मेरी। और ये कल मैंने ली थी इयरिंग्स, झुमकी तो कैसी लग रही है, झुमकी नहीं है मतलब क्या बोलते हैं इनको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लटकन सी लटक रही है। अरे यार इसके ऊपर कैसे लूँ। और गाइस जो मैंने पहन रखा है वो कोट भी हमने कल ही लिया था, सो कमेंट करके जरूर बताना कि कोट कैसा लग रहा है, मेरे ऊपर जच रहा है कि नहीं जच रहा। और मेरे समझ में नहीं आ रहा कोट ऊपर, ये कोट ऊपर अक्सर ना अंदर से पहनती हूँ ब्लू पिंक तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आज मैंने पहन लिया ऊपर से। और ये है मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही है तुम्हें? ठीक लग रही है, बढ़िया। चलते हैं देखते हैं क्या क्या काम हो पाता है, क्या रहता है आज। अरे यार जूते तो पहन लो, एक मिनट पकड़ो हैंडबैग पकड़ो। सुहानी और चाचा गए हैं उसके पार्क में घूमने, नहीं तो सुहानी रोती बहुत ज़्यादा। तरीका है मैं कैसे आई हूँ, लाज करके फिर आई हूँ। और ये पकड़ा हैंडबैग पकड़ाओ, चलो कैसा हो गया मुंह बंदा। वहाँ पहुँचे महात्मा गांधी हॉस्पिटल और देखो पार्किंग में मतलब जगह नहीं है, इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे भाई, ये देख लो। इतना ज़्यादा परेशान हो गए सच में, क्या बता, बैठे बैठे हैरान हो गए। पहले गए थे हम खापे गए थे भैया की डिस्पेंसरी, उसमें से फिर रेफर का मतलब रेफर करवाया था उनसे कार्ड, उसके बाद मैं आया महात्मा गांधी हॉस्पिटल और फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, थक गए। अभी तो हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, सो अभी से सिर दूर दुख रहा है तो मुझे लगता नहीं कुछ हो पाएगा। रील्स बनाने की सोच रही थी लेकिन कुछ नहीं होगा शायद। मेरी इयरिंग्स कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये इसका प्राइस भाई बहुत महंगा है, तो वैसे ही लग रही है, वैसे तो लटकन सी लग नहीं रहा है, इतना महंगा होगा, लेकिन ये है इनका प्राइस 250 रुपये। बाद में देख लेना, 250 था नहीं, यहाँ 250 है, सो कुछ भी नहीं है इनमें। और 250 रुपये का है और वज़न लग रहा है वो अलग, लेकिन हाँ इतने हैवी नहीं है जितना लग रहा है, इतनी बड़ी लटकन लग रही है इसमें यहाँ तक, लेकिन लग नहीं रहा कि इतना हैवी मैंने पहन रखा है अपने कानों में। हाँ यार गला सूख गया, प्यास इतनी तेज लग रही है। हेलमेट वो रख दी मैंने दूसरे की गाड़ी पे, खुद के पे रख ले तो परेशान हो गए यार। वो देखो महात्मा गांधी खा खड़े हो गए, ये महात्मा गांधी हॉस्पिटल महाराज गांधी जी। पहली बार आप पहुंचे महात्मा गांधी हॉस्पिटल, उससे पहले दो बार, मेरा फर्स्ट बार है, मैं मतलब पहली बार आई हूँ, सो पहली बार महात्मा गांधी देखूंगी। लेकिन नाम से लगता है महात्मा गांधी और इतना महंगा हॉस्पिटल है भाई, बहुत ज़्यादा इसको फ्री होना चाहिए था है? नाम के हिसाब से। फाइनली हम हॉस्पिटल के अंदर आ पहुँचे हैं, जांच हमने ले ली है, दिखाना एक मिनट, एक तो आ गई हमारी जांच, अब जाएंगे डॉक्टर के पास। हर्षित कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, ले पकड़े। घूमते रहोगे कब तक, बैठते रहोगे, ऐसे पूरा दिन निकल जाएगा, किसी से पूछो ना यार। और तो परेशान कर ले, इसको पता नहीं है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। हाँ मैं नहीं जा रहा, बढ़िया चुपचाप कहीं हो गए 20 बार यार, नीचे गया 20 बार दिमाग के, मैं किसी से पूछ नहीं सकती मतलब। हमारा डॉक्टर गया इमरजेंसी में, बहुत बेकार वो हमारे साथ मतलब कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए ना। और उन्होंने बोला है कि ना व्हाट्सअप कर देना जांच वगैरह, सो सुहानी के पापा फ़ोटो खींच रहे हैं, उन्होंने अपना नंबर दे दिया, तो फिर घर पे जाके बात कर लेंगे या फिर शाम को फिर से उनके पास जाना पड़ेगा। सो देखते हैं क्या होता है हमारे साथ में, तो अब जाएंगे कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी जो हॉस्पिटल में ना मेरे बेइज्जती कर रहा है ये लड़का। राम जान है, बेइज्जती थी वो, बेइज्जती तो क्या था वो, आया 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 है, अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे। अब देख लो ये वीडियो मतलब ये ना कैमरे के पीछे मेरी बेइज्जती करते हैं, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत है कि ना मैं कैमरे
ये बेइज्जती कर दूँ इसकी। हैं आप में है नहीं ना, नहीं है ना, नहीं है ना, कैमरा फेस नहीं करना दादली टिकट ले मेरे को खा जा, खा सकता है, खा खाना खा है ऐसे खाना मैं अंदर रख लूँ वहाँ खा सकते होगा खाते अरे हम प्रताप नगर भेजेगी फिर जाएंगे, अभी ये लोकेशन आई नहीं, आ गई है लोकेशन तो हम देख लेते हैं पहले। गाइस हम जा रहे हैं हम प्रताप नगर है, कौन के पास जा रहे हैं? आदि के पास चले। हेलो लेट हो गए तो टाइम, हम यहाँ से जाएंगे आधा घंटा, अपन को यहाँ ही हो गया, डॉक्टर ने बोला था, लेकिन उसने बोला है वो दो घंटे के करीबन आएगा, बात करके फिर आएंगे अपन। मैं खड़े करने के लेते हैं 20 रुपये, थोड़ी देर में आएंगे फिर हम पार्किंग खड़ी करेंगे फिर लेंगे 20 रुपये। सुस्वानी के पापा बोल रहे हैं मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी है, यहाँ पे मजबूर लोग ही आते हैं अपन जैसे। वाकई में सही बात बोली आपने एकदम, गुम हो गए हैं, देखते हैं है? लोकेशन बता रहा लेकिन पता नहीं किधर बता रहा है, दिख तो रहे नहीं वो, गुम गए हम, क्या करें अब, कुछ बता सकते हैं आप लोग? के बाद में हम आ पहुंचे हैं भाई आरती दीदी के घर। ये देखो वो गई अभी, मतलब लाइट गई, मतलब हम आते ही लाइट चली गई हमारे डर से, इतना डर दिया लाइट है। अच्छा पहले से गई, मैंने सोचा मेरा पैर खराब है इस वजह से गई। सो भाई ये है इनकी किचन, मतलब सेम सेम हमारी जैसी है, ये रूम होगा आइडिया से देख लो मैंने पहचान लिया। हाँ ब्लॉग व्लॉग तो देख ही लिया इस वजह से। अच्छा चलो बिल्कुल धुंधला धुंधला हो गया। हर आरती कर रही है हमारी मेहमानबाजी। सो इन्होंने नहीं, मैं वैसे पीती नहीं हूँ लेकिन ये कर रही हैं। सो सुहानी के पापा पी लेंगे, मेरी तो बनाना मत, मैं नहीं पीती चाय, और मैं इनको देखती हूँ शायद हाँ चलो इतना कह रही तो थोड़ी बहुत पी लूंगी, नहीं पीती नहीं हूँ मैं चाय, मेरा उल्टी का मन हो जाता है चाय से, नहीं नहीं बिल्कुल पूरी सर्दी वैसे जाती मेरी बिना चाय के। आप तो पीते हो यार, ब्लॉग देखती हूँ तो उसमें चाय जहाँ जाते हो मतलब चाय, और सारी पीते हो सारी बहन है ना, हाँ वही तो, और कुछ मिले ना मिले खाना नहीं मिले, मतलब पहले से चाय नहीं सुबह की, हाँ सुबह की मतलब इतनी चाय रखती है एक्स्ट्रा में, सो मेरे को लगता है दूध तो पीती नहीं है, चाय से फुल रहती है भाई, हमारा तो यह दूध पीते हैं, चाय वगैरह बिल्कुल नहीं पीते, तभी तो इतने बड़े बड़े गिलास रख रखे हैं इन्होंने, देखो ये इनमें पीनी पड़ती क्योंकि इनका पेट भरता नहीं है ना, हाँ अब मेरे पास में जाओगे तो छोटे छोटे ग्लास मिलेंगे इतने इतने से, जो भी मैं दूसरे के लिए रखती हूँ। अच्छा ठीक है, अरे थोड़ा मूड खराब हो गया नहीं तो ब्लॉग तो वहां से स्टार्ट हो जाता, वो क्या घूमने के चक्कर में इतने देर से घूम रहे ना तो परेशान हो गए। चाय वाय पीने के बाद में देखो अब हमारी लाइट आ चुकी है। गाइस तो मैंने चाय वाय पिला दी दीदी जियाजी को। बोलो आप तो कैसी लगी जियाजी हमारी चाय आपको? अच्छी थी, टेस्टी नहीं बनाएगा दीदी? नहीं मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी भाई, क्योंकि मैं चाय पीती कम, हाँ मैंने दो बिस्किट खाए और अभी रखे हुए हैं, पार्ले जी कभी आप लोगों के घर आओ ना तो पार्ले जी ले आना मेरे लिए। कुत्ते वाले हो चाहे गधे वाले हो लेकिन लगते मेरे को पार्ले जी से, गुड्डे बड्डे ले आओगे ना तो नहीं खाऊंगी मैं, और नहीं तो चाहिए मेरे को क्रीम वाले, क्रीम वाले मेरे को ज्यादा अच्छे लगते हैं बनाने के लिए, देखते हैं कितनी रील बन पाती है हमारी। आई रब्बा लोकेशन देख सकते हैं आप, लोकेशन कितनी खतरनाक वाली है, मतलब जयपुर में भी हमें इतनी अच्छी लोकेशन मिली है कि हम आपसे बता नहीं सकते इस जगह के बारे में भाई। क्या ही बोले हम इस,
आप जरूर बता देना कि आप लोगों को लोकेशन कैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हम स्कूल की बाउंड्री के बीच में खड़े हुए हैं। हाँ, सरकारी स्कूल होता है ना, ऐसा लग रहा है भैया। तो थोड़ा बहुत नाच नुच लेते हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। नाच नुच लेते भाई थोड़ा बहुत, तो क्या ही करेंगे, हम दो तीन बना लेते हैं फिर देखेंगे। नहीं हम जमा उड़ा खाया तो फिर जाएंगे रोड पे। ठीक है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मेरी शर्ट है मैंने खोल दी है और मैं आ गई हूँ ब्लाउज के अंदर, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया नहीं, मैं तीन तीन चार चार ड्रेस पहन के आई थी, ऊपर तड़े, क्योंकि सर्दी तो यही है तो कुछ पता चलता नहीं है, तो इस वजह से भाई मैं बहुत सारी ड्रेस पहन के आ गई और कोट दे दिया मैंने मतलब आरती को, ताकि हमारी कुछ अलग से रील्स बन सके रील्स के लिए। तो अब जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं, इतनी अच्छी तो कुछ लोकेशन है नहीं, तो हम जा रहे हैं सड़क पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रॉयल रीना ब्लॉग्स, और आप लोगों से बोल रही हूँ आरती ब्लॉग्स, आरती मीना ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट अब मतलब पहले तो इस कॉलोनी में पता नहीं आरती को जानते नहीं जानते, लेकिन आज जरूर जान जाएंगे कि ये वीडियो जरूर बनाती है, नाच के आए हैं। तो अभी तो पूछा नहीं है किसी ने, लेकिन महीना दो महीने में बाद में पूछ ही लेंगे भाई करते क्या हो, क्या कवाड़ा कर रहे हो तुम, ये तो बता दो हमको। सो अब जा रही है ड्रेस चेंज करने, क्योंकि आरती को पहनने लहंगा लुगड़ी, तो चलते हैं। हाँ टाइम तो है ना यार, लोकेशन नहीं यार, थोड़ी गुजार है थोड़ी सी यहीं पास में, डॉक्टर से बात कर लेना। देखो ये आरती कैसी लग रही है, लहंगा लुगड़ी में पानी वाली पहन रखी इसने, पानी वाली लुगड़ी रेड रेड सेम सेम से लग रहे हैं ब्लाउज में, और अरे यार अपने मतलब लहंगा भी मतलब सेम सही है, आसमानी हो गया मेरा डीजल हो गया, और ब्लाउज में थोड़ा फर्क है, नहीं तो सेम सेम से लग रहे हैं दोनों। कोई खास फर्क नहीं है। अरे यार दीदी देखो, मैंने आज आपके लिए लहंगा लुगड़ी पहन ली, नहीं तो मेरे से नहीं होती इतनी जल्दी। अच्छा बढ़िया है, चलो मोटरसाइकिल आ रही है ठोक जाए, बड़ा न्याय रह जाओ रह जाएंगे नहीं ब्लॉग। हेलो अभी जा रहे हैं न्यू लोकेशन पे रील बनाने, तो चलो आप भी चला है हमें भर। मैंने पहली बार इतनी पब्लिक में वीडियो बनाई है भाई, पहली बार आरती थी इस वजह से बना ली, क्योंकि ये बनाती है आपने देखा होगा इनको आरती, वो इंस्टाग्राम पे बनाती है आरती, गाड़ी 280 मीना 280 है ना, तो मतलब काफ़ी रील है इनकी वहाँ की सिटी पार्क की जो पब्लिक पहले इसमें बना चुकी है पहले, ये बहुत बनाती है। और मैंने मतलब मेरी तो वो थी ना भाई एक सड़क की, उसमें भी कोई नहीं था, आसपास तब बनाई थी मैंने देख देख के। सो क्योंकि मेरा जो कैमरामैन था वो भी थोड़ा ऐसा ही था, आज तो इसमें भी हिम्मत आ गई भाई। क्योंकि नहीं बना देती है, अच्छा बना देती है, अच्छा बना, लेकिन मेरे को गाने बजते हैं ना जब शर्म आती है, अच्छा अच्छा एयरबड्स लगा के बनाती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन कितनी बन गई अपनी, 10-15 रील बना लिया आज हमने, मतलब मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया आज, पहली बार मैंने इतनी रील बनाई है एकदम, मैंने मेरे पास जो आता है वो रिकॉर्ड ही तोड़ता है और इतने कम टाइम में हाँ। इतने कम टाइम में यार, लुगड़ी अलग अलग कलर की होती तो ऐसा अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लगता। और ये देखो फोन आ गया सुहानी के पापा का, और हम आ गए और गिर जाते हैं टक चल जाता। सो हेलो, सो गाइस तो रील्स बना के आ चुके हैं, सही है कॉलोनी मकान भूल गए यार, रे राम रे। सो गाइस देखो ये ब्लॉग के चक्कर में मकान तक भूल गए, अब तो भाई क्या ही करे भाई। मैं सोच रही थी यार जब भर्तम पहले हो मकान पे कहीं चक्कर है, ये घर पहले आए, वही मैं सोच रही थी, मेरे को कभी भी आरती फोन का जाओ, अरे आरती पेड़ तो फालते हैं आरती को मुंह देकर कैसे कपकपा गई आरती, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे फिर डॉक्टर नहीं मिलेगा, फिर मतलब ही क्या निकलेगा। चला रे चला रे चला रे दिया दे, एक चाय और बना दो ना, लेट हो जाएंगे फिर। तो गाइस अब जा रहे हैं हम आरती के घर से हॉस्पिटल महात्मा गांधी,
सो प्लीज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ज्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, फैला देना पूरे ऑल इंडिया में ताकि हमारी वीडियो वायरल हो जाए। सुन लेना भाई, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, आरती को चैनल का सब्सक्राइब कर लेना। आरती फिर से बता क्या है मेरा चैनल है आरती मीना व्लॉग्स, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, व्लॉग बनाती हूँ मैं डेली, और सब्सक्राइब कर लेना। और हमारी मुलाकात हुई है भाई इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम से हम आए हैं, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू हमारी दोस्ती हुई है। सो दोस्ती आप देख लो कितनी गहरी हो चुकी है। तो चलते हैं, नहीं अभी थोड़ी देर पीछे पकड़ जा कर पीछे हो रहा है, फिर से यहाँ पे, और देखते हैं कि डॉक्टर मिलता है नहीं मिलता। डॉक्टर ने बोला था मतलब 5-6 मिनट में आ जाना, सो फिक्स टाइम पे हम आ गए हैं। सो चलते हैं भाई, पहुँचाते हैं, और गाड़ी इनकी खड़ी हुई है ये, और इसको दिखानी हमको जाँच है। ये ब्लैक गाड़ी गई आगे आगे हमारी, अभी थोड़ी देर लेट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाती, पानी में मिल जाती भाई थोड़ी, मतलब 1-2 मिनट का 31% इफेक्ट दिखा रही है ना, बच जाएगी। हेलो, अभी वो दूरबीन से करके देखेंगे ना, दिखा लीजिए। ये काम हो गया हमारा, अब देखते हैं, अब जाएंगे हम शांगानी चुनरी वुनरी खरीदने के लिए, और कानू को मतलब दूरबीन से देखेंगे सोमवार के दिन, तो कानू को आना पड़ेगा यहाँ पे फिर से। सो देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या रहती है भाई हमारी, हमारी नहीं। तो आरती और रीना की जोड़ी कैसी लगी, सो प्लीज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड रीना और आरती को सपोर्ट करो। सो बाय, राम राम।